नमस्कार सर, पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के 7 तीर्थ स्थलों में शराब और मांस पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला लिया है। जी हां, सीएम के इस फैसले का बिहार के सरकार में शामिल हमने स्वागत किया है। जी हाँ, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इसका स्वागत किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा में मांस और शराब बैन करके एक चीज साबित कर दिया है कि किसी भी कीमत पे वो नशे के पक्षधर नहीं है। यह फैसला निसंदेह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऐतिहासिक फैसले के बाद लिया गया है। नीतीश कुमार जी का विजन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार जो पहले सोचता है उसके बाद पूरा देश और पूरी दुनिया सोचती है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, साथ ही अन्य राज्यों से भी अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के फैसले को स्वीकार करते हुए अपने अपने राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू करें, तब जाकर के एक मजबूत सशक्त भारत का निर्माण हो पाएगा। तो आपने सुन लिया, मांझी के साथ साथ मथुरा संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में थे। इस दरमियान उन्होंने वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि श्री कृष्ण की भूमि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में मांस और मंदिरा के खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से जरूरी कदम उठाने को कहा है, जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारा उद्देश्य किसी को उजाड़ना नहीं, बस व्यवस्थित पुनर्वास करना है, और व्यवस्थित पुनर्वास के काम में इन पवित्र स्थलों को इस दिशा में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सीएम ने यह भी कहा कि जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं उन्हें रोजगार के दूसरे संसाधनों से जोड़ने के लिए प्रशासन उन्हें प्रोत्साहित करे। इसके लिए सरकारी योजनाओं को उन्हें बताएं जिससे वह दूसरे रोजगार के साधन तलाश कर अपनी आजीविका चला सके। जी हाँ, तो सीएम ने बड़ा फैसला लिया। कल मथुरा समेत कई तीर्थ स्थलों पर मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जिसका स्वागत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने किया है। जी हाँ, जीतन राम मांझी की पार्टी ने किया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।